और बड़ी खबर आपको बताएं, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला जेल में शिफ्ट किया गया है। रामपुर जेल से हरदोई जेल अब शिफ्ट कर दिया गया है। दो जन प्रमाण पत्र मामले में ये सजा मिली है, 7 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। आजम खां को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी, और लेकिन अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट कर दिया गया है हरदोई जेल। तो इस वक्त खबर, तीन परिवार के सदस्य जिनको 7 साल की सजा मिली है और तीनों को अलग अलग जेल में रखा गया है। तंजीम फातिमा रामपुर में ही रहेंगी। आजम खां को सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। उनका ये कहना है उनका एनकाउंटर भी हो सकता है, इसलिए वो नहीं जाना चाहते थे सीतापुर, लेकिन उन्हें सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो तीनों सदस्य अलग अलग जेल में रहेंगे। इससे पहले जब जेल में थे आजम खां तो परिवार के सभी सदस्य एक साथ थे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, अब्दुल्ला आजम को रामपुर से अब हरदोई जेल शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पहले से ही पूरी व्यवस्था कर ली गई थी। और अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, क्योंकि पहले ऐसी खबर थी, लेकिन अब ये खबर पुख्ता हो चुकी है और हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट कर दिया गया है हरदोई जेल, आजम खां सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं, और रामपुर में तंजीम फातिमा आजम खां की पत्नी जो रामपुर जेल में रहेंगी।